दुनिया का वो गांव जहां रहती हैं केवल महिलाएं, कदम भी नहीं रख सकते पुरुष, ये ऐसा गांव है दोस्तों। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये गांव कौन सा है और कहां है। कहीं ना कहीं बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं महिलाएं, खुद को पुरुष प्रधान समझने से आज़ाद कराने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं ताकि खुली हवा में सांस ले सके। इसका एक जीता जागता उदाहरण अफ्रीका देश के केन्या में स्थित एक गांव में देखने को मिलता है। उत्तरी केन्या के संबुरू में स्थित इस गांव का नाम उमोजा है, जो दुनिया के बाकी गांव से बेहद ही अलग है। पुरुषों पर वहां पर लगा है बहुत ही बड़ा प्रतिबंध। स्वाहिली में उमेजा का मतलब होता है एकता। महिलाओं ने कांटेदार बाढ़ से गांव को चारों ओर से सुरक्षित किया हुआ है। इस गांव की दुनिया भर में इसलिए चर्चा होती है क्योंकि यहां केवल महिलाएं रहती हैं। इस गांव में पुरुषों का आना प्रतिबंधित है। यह गांव अभयारण्य के रूप में 1990 में 15 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। ये वो महिलाएं थीं जिनका ब्रिटिश सैनिकों ने रेप किया और यौन शोषण किया था। लेकिन आज ये गाँव अन्य महिलाओं को ना केवल छत उपलब्ध कराता है बल्कि उन्हें आजीविका भी प्रदान करता है। किन महिलाओं को यहाँ पर मिलती है स्पेशल शरण, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ वो महिलाएं शरण लेती हैं जो खतना, रेप, घरेलू हिंसा और बाल विवाह से पीड़ित होती हैं। आपको बता दें, संबुरू में रहने वाले लोग गहराई तक पितृसत्ता से जकड़े हुए हैं। ये लोग अर्ध खानावदोश होते हैं जो बहुविवाह में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा ये मांसाही जनजाति से संबंध रखते हैं। आज के समय में करीबन 50 महिलाएं उमोजा गांव में रहती हैं। इन महिलाओं के साथ इनके 200 बच्चे भी यहां रहते हैं। ये लोग खुद ही अपना आजीविका चलाते हैं। गांव में बच्चों की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि वह समाज के बीच खुद को डाल सके। उमोजा के स्कूल के पास के गांव के बच्चे भी वहां पर पढ़ने आ सकते हैं। उमोजा में कैसे चलता है इन लोगों का खर्च, ये भी हम आपको बताते हैं। महिलाएं और बच्चे अपनी मेहनत से ज्वेलरी, नेकलेस, चूड़ी, पाजेब आदि बनाते हैं और उन्हें पास के बाज़ार में जाकर बेचते भी है। इस कमाई का एकमात्र उद्देश्य आधारभूत ज़रूरतों की पूर्ति करना होता है। बच्चों में वो लड़के जो 18 साल के हो जाते हैं उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। महिलाओं की कमाई का अन्य जरिया पर्यटन भी है। गांव में प्रवेश करने वाले लोगों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। जो महिला बुज़ुर्ग हो जाती हैं वो कम उम्र की महिलाओं को खतना, जबरन गर्भपात जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में बताती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ इस गाँव से बाहर नहीं निकलती। महिलाएँ पास के गाँव, बाज़ार और स्कूलों में भी जाती हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं का एक ही उद्देश्य होता है, इज्जत और आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी जीना।